आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एकजुट जम्मू में कई सारे मेंबर्स को स्वागत करने के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। एकजुट जम्मू अपनी ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन कर रही है, जैसा कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, वैसे ही एकजुट जम्मू का विस्तार भी उसी तेज़ी से जम्मू कश्मीर के संदर्भ में पॉलिटिकली हो रहा है। आज उसी संदर्भ में एकजुट जम्मू की और इकाइयाँ जैसे जैसे बन रही हैं, हम आपके सामने रखते जाएंगे। सबसे पहले आज हम वेलकम करते हैं कमल जी का, कमल वरिकू जी का। ये BJYM के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, ये भाजपा छोड़ के आज एकजुट जम्मू का दामन थाम रहे हैं, एक ऑफिस बियरर रहे हैं, काफ़ी कर्मठ हैं। एंटरप्राइजिंग जो हमारे यूथ हैं, युवक हैं, युवतियां हैं, उनके कंसर्न्स को लेके अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। बहुत लंबा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने का, भाजपा के लिए काम करने का, इश्यूज अफेक्टिंग स्टार्टअप्स उनको काम करने का, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए, अलग अलग जो मॉडल्स हैं उसके ऊपर अपनी एक्सपर्टाइज रखते हैं। तो आज हम पूरा एकजुट जम्मू परिवार आज कमल जी का स्वागत करता है, और आज ये एकजुट जम्मू के सदस्य बने, एकजुट जम्मू के मेंबर बने। एक बड़ी जिम्मेवारी अपने ऊपर इन्होंने आज ली, तो इनका वेलकम करते हैं। साथ ही साथ एकजुट जम्मू की का लीगल सेल, देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, वर्कर्स को परेशान किया जाता है, ऑपोजिशन में हो तो एडमिनिस्ट्रेशन का दुरुपयोग किया जाता है। तो ये हमारा शुरू से ही ये था कि किस तरीके से एकजुट जम्मू के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी सदस्य हैं, या एकजुट जम्मू से मदद की उम्मीद रखने वाले हमारे जितने भी नागरिक हैं, लोग हैं, उन्हें एक इफेक्टिव सपोर्ट देने के लिए, उनके पीछे एक बैकबोन खड़े करने के लिए हमारे को एक लीगल सेटअप चाहिए। तो इससे पहले भी हमने डिस्ट्रिक्ट्स में, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, चाहे वो कठुआ हो, सांबा हो, किश्तवाड़ हो, रियासी हो, उधमपुर हो, अपनी लीगल टीम्स कंस्टिट्यूट की थी। आज हम एक समावेशी टीम जो सेंट्रल लीगल टीम का स्टेटस हासिल रखती है एकजुट जम्मू की, वो आज हम नोटिफाई कर रहे हैं। आपके सामने ये सदस्य हैं, एडवोकेट अमजी आर्थर जॉन, ये एकजुट जम्मू क्या लीगल सेल, जो सेंट्रल लीगल सेल है, उसके प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी पूरी टीम की जानकारी आप मीडिया के माध्यम से जनता को दें कि कौन कौन किस किस पोस्ट को बियर करके कर रहा है, और बेसिक एक जो रोल रहेगा एकजुट जम्मू के लीगल सेल का, उस पर थोड़ी सी बात आप 1 मिनट में पूरी कर दें। हाँ जी, हाँ जी जी, जैसे कि लीगल सेल की आज पहले शुरुआत इंट्रोड्यूस हो रही कर है। लो, पहले इंट्रोड्यूस कर लो हाँ सबको। जी, हाँ जी, ये मेरा नाम MZ आर्थर जॉन है, एडवोकेट, मैं प्रेसिडेंट हूँ लीगल सेल का। ये अजय शर्मा है, ये वाइस प्रेसिडेंट है। ये विपुल शर्मा है, जनरल सेक्रेटरी है। ये रवीना मैम है, ये हैं मीडिया इंचार्ज की, मीडिया कमेटी के इंचार्ज, और पीछे हमारे जो एडवोकेट हैं वो मेंबर हैं लीगल सेल के। तो ये हमारा लीगल सेल आज एकत्रित हुआ है, और इसका रीज़न यही है कि हम एकजुट जम्मू को जो लीगल सपोर्ट है वो दे सके। हाँ और मैं कमल जी से भी एक बार बात कहूंगा कि अपनी अपनी बात रखें संक्षेप में। मैं अपने एकजुट जम्मू और एकजुट जम्मू का सारे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि हम इस टीम को, इस आइडियोलॉजी को ज्वाइन करें। मीडिया कर्मियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहां पे आए और हमारी बात बात सुनने का मौका करें। मेरा एकजुट जम्मू के साथ जुड़ने का बहुत बड़ा मकसद है, वो ये है कि अंकुर जी और उनकी जो टीम है और जो अब हमारी टीम हो चुकी है, उसकी जो आइडियोलॉजी है वो है जम्मू को डेवलप करना हर क्षेत्र में, हर तरीके से, हर एंगल से। और उसमें मैं अपना योगदान देना चाहता हूँ। मैं एक एंटरप्रेनर हूँ, मेरा सांबा में, मैंने बैंगलोर छोड़ के 15 साल का काम करके बैंगलोर छोड़ के यहाँ पे एक यूनिट खोला है सांबा में। लेकिन जो हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, वो जम्मू में ग्राउंड रियलिटी में हर युवा तक पहुंचे, वो नहीं पहुंच रहा है। बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस हो रही हैं। अगर इन युवाओं के साथ ये स्ट्रीमलाइन हो जाए, मुझे पूरा यकीन है एकजुट जम्मू के साथ और हमारे एक्सपीरियंस के साथ हम उन चीज़ों को साइडलाइन कर सकते हैं, युवाओं को आगे आने का मौका दे सकते हैं, खास तौर पे जम्मू को, जिसको हर बार इग्नोर किया गया है। और जब वो सामने आएंगे, हमारी इकोनॉमी, हमारी स्ट्रेंथ, हमारा आत्मनिर्भर निर्भर जम्मू हो जाएगा, और फिर हमें किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई हमें जॉब दीजिए, हमें आप सेल्फ डेवलपमेंट होने का मौका दीजिए।
मेरा आप सब से, आप सब मीडिया कर्मियों से भी ये निवेदन है कि जब भी कोई युवा, चाहे वो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, चाहे एमएसएमई स्टार्ट करता है, आप उनका सपोर्ट कीजिए और इसी इसी सपोर्ट को आगे बढ़ावा देके जम्मू के हर एक युवा को, जम्मू को स्ट्रेंथ बना दीजिए, जो हमारी एकजुट जम्मू टीम भी काम करेगी। धन्यवाद। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो भी हम हमारी बात हुई, जो भी तमाम पार्टियों को छोड़ के एकजुट जम्मू में आ रहे हैं, वो इसी विश्वास के साथ आ रहे हैं कि एकजुट जम्मू ही एक रीजनल आइडियोलॉजिकल विकल्प है एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जो जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल लिब्रेशन के लिए लड़ रहा है और लड़ने की क्षमता रखता है। और इसी विश्वास को रखते हुए आज हम इन सब लोगों का स्वागत करते हैं। ये हमारी लीगल टीम है, ये कमल जी हैं। इस तरीके से ये ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स अब चलते जाएंगे और आपके माध्यम से सारी जम्मू कश्मीर की जनता को मेरा निवेदन है कि भारी संख्या में एकजुट जम्मू का दामन थाम के जुड़ के एकजुट जम्मू को मजबूत करिए, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनावों में जम्मू संभाग में जितनी भी सीट्स होंगी, सब पे एकजुट जम्मू अपने कैंडिडेट्स उतारेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।